हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू हुंडई i20। हुंडई i20 का प्राइस 6.8 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस 11.18 लाख रुपीस है। हुंडई i20 के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 120 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। हुंडई i20 के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्ट्रा और एस्ट्रा ऑप्शनल। एंड अभी आप टॉप ऑफ द लाइन एस्ट्रा ऑप्शनल विद डीसीटी ट्रांसमिशन देख रहे हैं एंड इस कार का एक्स शोरूम प्राइस है 11.18 लाख रुपीज। तो चलिए अब कार के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सेंटर में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि कार के लुक्स को काफी ज्यादा एनहांस कर देती है। यहाँ आपको टर्बो की बैचिंग मिल जाएगी, उसके साथ आपको इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जाते हैं विद एलईडी डीआरएल्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स एंड कॉर्नरिंग लैम्प, और उसके नीचे आपको इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक सराउंडिंग्स के साथ। और यहाँ बम्पर पर भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। और यह है कार का कंप्लीट फ्रंट लुक। चलिए अब कार के साइड पे चलते हैं। साइड में आपको इस कार में मिल जाते हैं 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि काफी गुड लुकिंग है। एंड इसमें आपको टायर्स की प्रोफाइल मिलती है 195, 55, R16। आपको इस कार के अंदर एलईडी साइड टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम के ऊपर मिलते हैं एंड ओआरवीएम्स के नीचे आपको पेडल लैंप भी मिल जाते हैं। आपको इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप देख रहे हैं, तो आपको इसके अंदर क्रोम डोर हैंडल्स और क्रोम विंडो लाइनिंग भी दी जाती है। और यह है कार का कंप्लीट साइड लुक। चलिए अब कार की बैक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। पीछे की तरफ आपको इसमें एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि काफी गुड लुकिंग है। साथ ही आपको उसके नीचे i20 की बैजिंग दी जाती है एंड यहां आपको सेंटर में हुंडई की बैजिंग मिल जाती है। और यह है कार का कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक। आपको यहां पर मिल जाती है इसमें एस्ट्रा की बैजिंग और नीचे बंपर पर आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और बम्पर के नीचे वाली साइड पर आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर भी ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, उसके ऊपर आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ आपको एलईडी ब्रेक लाइट दी जाती है एंड रूफ पर आपको इसमें शार्क फिन एंटीना और सनरूफ मिल जाती है। एंड गाइज, इसके बूट पर आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि इसकी एलईडी टेल लैंप से जाके मर्ज हो जाती हैं। यहां बैकलाइट पर भी आपको i20 की बैचिंग मिल जाती है। तो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं एंड अंदर से देखते हैं कार कैसी है। यहां पर आपको फेंडर लाइनिंग पर DCT की बैचिंग मिल जाती है। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आपको इस कार के अंदर दिया जाता है। यहां आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है कीलेस एंट्री के लिए। एंड ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ। आपको यहां पर मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स और ओआरवीएम के कंट्रोल्स, और साथ आपको इसमें एम्बियंस लाइटिंग भी दी जाती है डोर हैंडल्स में। नीचे आपको मिल जाता है एक बॉस का स्पीकर और साथ ही आपको इसमें एक बॉटल होल्डर भी दिया जाता है, जो कि इल्यूमिनेशन के साथ आता है। तो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं। आपको i20 के सभी वेरियंट्स में मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट मिलेंगी एंड हुंडई i20 के टॉप एंड एस्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरह की कीज दी जाती हैं, लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और हॉर्न के बटन के साथ। तो चलिए अब कार का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। आपको इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। सेंटर में आपको MID स्क्रीन मिल जाती है, राइट हैंड साइड आपको टैकोमीटर मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलता है। जो MID स्क्रीन है उसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंपास का भी ऑप्शन मिलता है एंड i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
मिल जाता है। और यह है कार का कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील का लुक। आपको इसके अंदर क्रेटा इंस्पायर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको मीडिया और टेलीफोनी कंट्रोल्स मिलते हैं। आपको हुंडई i20 के एस्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं एंड आपको इसके अंदर लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड कुछ इस तरह का आपको इसमें AC वेंट्स का डिज़ाइन दिया जाता है। AC वेंट के साथ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। उसके नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच, DRVM का स्विच और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एंड ये है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। आपको 2020 i20 के अंदर सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के इंटीरियर्स मिलते हैं एंड सेंटर में आपको डैशबोर्ड के मिल जाता है 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि मैप्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक भी आपको इसके अंदर दिया जाता है और आपको इसके अंदर AM, FM और DRM का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें USB के थ्रू वीडियो भी प्ले कर सकते हैं और साथ ही आप अपना फ़ोन भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। काफ़ी स्मूथ एंटरटेनमेंट सिस्टम आपको i20 में मिल जाता है एंड जो फ्रंट स्क्रीन है उसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे आपको इसमें AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको इस कार के अंदर फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और उसके नीचे आपको इसमें एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, फास्ट चार्जर और USB का पोर्ट मिल जाता है। उसके नीचे आपको इल्यूमिनेशन दी जाती है एंड आप वहाँ पे अपना फ़ोन वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। एंड यह है इसका 7-स्पीड DCT गियर बॉक्स। एंड रिवर्स गियर डालते ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले और सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाएगा। आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले MID स्क्रीन पर भी दिया जाता है। गियर बॉक्स के पीछे आपको इसमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, जिसमें से एक के अंदर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है और उसके पीछे आपको इसके अंदर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी दिया जाता है। एंड यह है हुंडई i20 की कंप्लीट फ्रंट सीट्स का लुक। आपको इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर लेदर सीट्स दी जाती हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आपको i20 में मिल जाती हैं। इस वेरिएंट के अंदर टोटल आपको 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं और ड्यूल एयरबैग्स i20 में एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। चलिए अब इसका ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। आपको इसके अंदर नॉर्मल साइज्ड कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया जाता है एंड हुंडई i20 के अंदर आपको 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। ऊपर आपको इसके पैसेंजर साइड सनशेड्स में वैनिटी मिरर मिल जाता है। सेंटर में मैनुअल IRVM दिया जाता है, SOS, टोइंग और ब्लू लिंक के बटन्स के साथ। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पर टिकट होल्डर मिलता है और यहाँ आपको सेंटर में सनग्लास होल्डर, 2 हेलोजन कैबल लाइट्स और साथ ही उसके सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है। आपको इस कार के अंदर 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज फंक्शन के साथ सनरूफ दी जाती है, बट आपको इसके अंदर ब्लाइंड को मैन्युअली ही बंद करना पड़ेगा। हुंडई i20 के अंदर आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि रेड, सिल्वर, कॉपर, ब्लू, वाइट, ग्रे और ड्यूल टोन के अंदर आपको ब्लैक एंड रेड और वाइट एंड ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब कार की बैक सीट चेक कर लेते हैं एंड ये है इसका बैक डोर। ये भी आपको सेम सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ दिया जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें पावर विंडो का स्विच, उसके नीचे आपको इसमें बॉस का स्पीकर मिल जाता है और साथ ही एक बॉटल होल्डर भी मिलता है। आपको इस कार के अंदर टोटल 7 स्पीकर्स दिए जाते हैं एंड आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है कार के अंदर एंटर और एग्जिट करने के लिए। तो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं एंड ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हैं। इसके अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं। सेंटर में आपको इसमें मिल जाता है एक सेंटर आर्मरेस्ट, बट आपको इसके अंदर कप होल्डर्स का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एंड ये है कार का कंप्लीट
डैशबोर्ड का लुक, सिंगल टोन ब्लैक फिनिश में आता है ये। ऊपर आपको मिल जाती है सनरूफ, और सनरूफ के पीछे आपको इसमें एक और कैबिन लाइट दी जाती है। आपको i20 के सभी वेरिएंट्स के अंदर रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। एसी वेंट के नीचे आपको इसमें कुछ स्टोरेज स्पेस और एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। एंड गाइस, मेरी हाइट 6 फीट है एंड ड्राइवर सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। उसके बाद भी मेरे को इसके अंदर काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। हुंडई i20 के अंदर 2 एडल्ट्स और 1 किड काफ़ी ईजीली बैठ सकते हैं, क्योंकि i20 की ऑल ओवर लेंथ है 3995 mm और विड्थ है 1775 mm। एंड इस कार के अंदर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। एंड इस कार का व्हील बेस है 2580 mm। चलिए अब कार का बूट चेक कर लेते हैं। बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन दिया जाता है, जिसको प्रेस करके आप बूट को ओपन कर सकते हैं। एंड आपको i20 के अंदर टोटल 311 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें एक सब वूफर मिल जाता है एंड दूसरी साइड पर आपको इसमें एक बूट लाइट मिल जाती है। आप इसमें रियर सीट्स को फोल्ड करके बूट स्पेस एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड आपको इसमें पार्सल ट्री भी दी जाती है। एंड इसके नीचे आपको टूल किट और एक स्टील व्हील मिलता है एज अ स्पेयर व्हील। तो ये था गाइज हुंडई i20 2020 के टॉप एंड वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइज, हुंडई i20 के बाकी सभी वेरिएंट्स का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल DCT का आपको चंडीगढ़ में ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 12.40 लाख रुपीज। एंड बाकी सभी वेरिएंट्स के एक्स शोरूम प्राइसेस, इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द कार शो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।